वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? कहीं जाने का प्लान है आज तो कैंसिल कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अरे मैंने आपको बताया था ना, आज मारिया के इन-लॉज वाले आ रहे हैं, उन्हें जाना है। बिल्कुल भूल गया मैं। कुछ अरसे जो ना ऑफिस में बहुत काम है तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या खबर है आपकी? आपने मुझे बताया नहीं है। बुखार तो नहीं? पता नहीं जीभ सुस्ती सी महसूस हो रही है। हाँ अच्छा तो फिर मैं मामा से एक्सक्यूज कर लेती हूँ, हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं मना करने की जरूरत नहीं है यार। मारिया की खुशी है, उसने इतना साथ दिया है हमारा, इतना तो कर ही सकते हैं उसकी खुशी के लिए हम। नहीं, मुझे लग रहा है आपको टेम्परेचर है, और रेस्ट करना चाहिए, एक आध दिन में चक्कर लगा लेंगे हम। सोनिया मैं अभी दवाई लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। तुम जाके तैयार हो, चलते हैं। आप थोड़ी देर रेस्ट करें फिर निकलते हैं। ऑलराइट। तो तूने मुझे ये कहने के लिए फोन किया है कि तू मेरा काम नहीं कर सकती? चुगनू मैं ये नहीं कह रही हूँ यार। यार 2 दिन गुजरने को है, एक मामूली से काम के लिए तू मुझसे इतनी मिन्नतें करा रही है? जा यार, तेरी यही दोस्ती थी, ठीक है? जुगनू तू जानती है आरफा खाला से कुरान पढ़ा है मैंने। हाँ तो उनके मरने पर भी तो तू ही कुरान पढ़ पढ़ के बख्शेगी ना उन्हें, ये कम होगा उनके लिए? जुगनू क्या हो गया तुझे? किस तरह की बातें कर रही है तू? तू सोच समझ के तो बोला कर, वो तेरी भी उस्तानी है। तो मैंने तुझसे कब कह दिया खुदा ना खास्ता कि जाके कत्ल कर दे उनको? एक काम ही कहा था ना, लेकिन चल ठीक है, नहीं हो रहा तुझसे ना कर, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी, तेरी मदद की जरूरत ही नहीं है मुझे, बस तू मेरी जान छोड़ दे, बख्श दे मुझे। अच्छा जुगनू मेरी बहन, तू नाराज क्यों हो रही है? मैंने इनकार कब किया है तुझे? मैं तो बस ये कह रही थी कि नहीं नहीं लानत है मुझ पर जो मैंने तुझसे मदद मांगी, भरोसा किया ना अपनी उम्र भर की दोस्ती पर, लेकिन वक्त आने पर तू बकरी बन गई और मेरे सामने ही मैं करने लग गई। यार रहने दे, तुझसे मदद मांगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन याद रखना तेरी हमेशा मदद की है मैंने। भूल गई तू? तेरा जो फोटोकॉपी वाली से चक्कर था और तेरी माँ ने पकड़ लिया था, किसने बचाया था तुझे? किसने तेरी जान बचाई थी? जुगनू ने। मैंने सारा इल्जाम अपने सर पर लिया था, लेकिन तू इतनी एहसान फरामोश निकली है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था यार। जुगनू मेरी बात, चल रहने दे, तू छोड़ दे, खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। जुगनू हेलो, समझती है ये काम नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, फिर कर लूंगी मैं अपना जो करना होगा। बेटा तुम तो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, तो काम से ही जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे तो नहीं थे बेटा। क्या हो गया अम्मी आपको? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे आराम कर लो। दम घुटता है मेरा अंदर, बाहर थोड़ा बेहतर फील होता है इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ लेकिन तुम ना जुगनू को साथ ले जाओ, उसे उसकी अम्मा को छोड़ देना, उस दिन भी लेकर गए थे तो अपने साथ ही वापस ले आए थे। नहीं मैं वहां नहीं जा रहा, उस तरफ नहीं जा रहा मैं। तो चले जाओ। ये कब से अपने घर वालों को याद कर रही है? मैंने कहा ना मैं काम से जा रहा हूँ, मैं किसी और दिन ले जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं लेके जाना चाह रहे तो साथ में चली जाऊंगी, मसला नहीं है। क्या समझूं मैं, तुमने कोई पाबंदी लगाई है इस पे कि ये महके ना जाए? मैं क्यों पाबंदी लगाऊंगा, मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर लेकर क्यों नहीं जा रहे हो साथ? क्या हो गया आपको, आप तो पीछे ही पड़ गई है मेरे। आपको जो समझना है समझती रहे, मैं जा रहा हूं, मुझे मत रोकिएगा। खुर्रम खुर्रम, खुर्रम खुर्रम, हुआ क्या है मुझे बताएं तो सही, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नहीं पता क्या? तुमने अम्मी से नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर जाने नहीं देता?
खुरम क्या हो गया, कसम ले ले मैं ऐसा क्यों कहूंगी। हाँ वो अम्मी से बात हुई थी ना उनकी, हो सकता है उन्होंने ना कुछ कह, चले उनकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। पर अगर आपको लगता है मैंने कहा है तो मैं अपनी तरफ से भी माफी मांग लेती हूँ आपसे, लेकिन प्लीज ऐसे नहीं करें ना, आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ ना आपसे। मैंने सोच लिया है। किस बात पर? मैं शकी इंसान नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हें कभी गलत समझा है, लेकिन लेकिन खुरम क्या हो गया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? वो हमजा, कहीं ना कहीं वो हम दोनों के रिश्ते के बीच में है। मैं नहीं जानता कि तुम उससे क्या समझती हो, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं ना, मेरा खून खौलता है। और तुम वहां जाओगी और वो तुम्हें देखेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुरम फरहान भाई की तरह है वो मेरे, क्या जुगनू, ये धोखा देने की कोशिश किसी को मत करना, खास तौर पर मुझे। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूं, लेकिन सच और झूठ में फर्क कर सकता हूं। आपको यकीन नहीं है ना मुझ पर, है ना? आपको लग रहा है मैं धोखा दे रही हूं आपको? है यकीन, है, बस दुआ करना मेरा ये यकीन कभी ना टूटे। वरना सब खत्म हो जाएगा जुगनू, सब खत्म हो जाएगा।